मैं हूँ योशु, मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। काफी डीले और चेंज इन कास्ट के बाद फाइनली फिल्म मिस्टर लेले इस साल फ्लोर्स पर गया था, लेकिन बता दें कि कुछ वीक्स बाद ही इस फिल्म की शूटिंग जो है बंद हो गई थी, जब विकी कौशल और भूमि पेडनेकर कोरोना वायरस से कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे अप्रैल के मंथ में, जिसके बाद जनता कर्फ्यू भी अनाउंस किया गया था। बता दें कि अब इसी के चलते एक बार फिर, क्योंकि महाराष्ट्र में शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शशांक खेतान जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म की स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म की शूटिंग को रेज्यूम किया। करण जौहर ने ग्रीन लाइट दे दिया इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए। आज करण जौहर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, सबने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगवा लिया है। वहीं बता दे कि इस फिल्म की शूटिंग कियारा और विकी ने लास्ट ट्यूसडे से ही शुरू कर दी थी, लेकिन भूमि ने सेट को ज्वाइन किया फ्राइडे के दिन। शशांक खेतान प्लान कर रहे हैं एक 10-day स्केड्यूल अंधेरी बंगलों में, जिसके बाद वो कुछ और हफ्तों के लिए मुंबई सिटी के अलग अलग लोकेशंस पर शूट करेंगे। बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और इमोशनल है द ग्रेट आइकॉनिक एथलीट मिल्का सिंह की डेथ की खबर सुनकर। मिल्का सिंह का देहांत फ्राइडे के दिन जून 18 को रात 11:30 को हुआ था। बता दें कि शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और सनी देओल ने इसी के चलते मिल्का सिंह को याद करते हुए उनके लिए ट्वीट लिखा और उनके डेथ को मौन किया। वहीं फरहान अख्तर, जिन्होंने मिल्खा सिंह की बायोपिक फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने एक हार्टफेल्ट नोट लिखा है मिल्खा सिंह के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। मिल्खा सिंह एक लेजेंडरी एथलीट माने जाते हैं। वो 4-time एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियनशिप में। वहीं बता दे कि मिल्खा सिंह ऐसे एक इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने जीता था गोल्ड इन दी एशियन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप। उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, इंडियाज़ 4th हाइएस्ट सिविलियन ऑनर के चलते, उनके इतने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती है इस फिल्म इंडस्ट्री की। बता दें कि एक महीने पहले ये रिपोर्ट सामने आए थे कि विद्या बालन प्रोड्यूसर तनुज गर्ग और अतुल कसबेकर के साथ टॉक्स में है अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। इससे पहले भी फिल्म तुम्हारी सुल्लू में विद्या बालन ने इन प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया था। बता दें कि ये जो अपकमिंग फिल्म है, ये एक रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ ड्रामा फिल्म बताई जा रही है, जो बहुत जल्द ऑन फ्लोर्स जाने वाली है। इस फिल्म में विद्या बालन के ऑपोजिट नजर आएंगे स्कैम 1992 फेम एक्टर प्रतीक गांधी। बता दें कि विद्या और प्रतीक दोनों एक कपल का रोल प्ले करने जा रहे हैं और रोमांटिकली एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर होंगे। वहीं इस फिल्म में एक दूसरा कपल भी दिखाया जाएगा जिसकी अभी कास्टिंग हुई नहीं है। ये एक 45-day स्केड्यूल बताया जा रहा है मुंबई और साउथ इंडिया में। अजय देवगन ने हाल ही में अपने डिजिटल डेब्यू की अनाउंसमेंट कर दी है। वो सीरीज़ रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस में नजर आने वाले हैं। बता दें कि ये सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस डिजिटल डेब्यू के लिए अजय देवगन शूट करेंगे जुलाई के मंथ से। वहीं बता दें कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजय देवगन ने अपने डेब्यू सीरीज के लिए जितनी रकम डिमांड की है, उसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, अजय देवगन ने मांग की है 125 crores की और उनको ये ऑफर मिल भी चुका है। अजय देवगन को अपने डिजिटल डेब्यू के लिए मिल रहे हैं 125 crore, जो कि OTT प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम बताई जा रही है। अजय देवगन की ये सीरीज इस साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी। आए दिन किसी ना किसी सेलिब्रिटी की डिजिटल डेब्यू की खबर सामने आ ही जाती है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसलिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं OTT प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। बता दें कि इसी के चलते एक्टर वरुण शर्मा भी फाइनली अपना डिजिटल डेब्यू देने जा रहे हैं एक सीरीज़ के साथ। ये सोनी लिव का एक नया सीरीज़ है जिसका नाम है चुस्पा। ये सीरीज़ एक क्वर्की शो बताया जा रहा है, जिसमें अल्टीमेट स्यापा दिखाया जाएगा। ये जो स्टोरी है, ये कमोशन होगा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द वेब, डिजिटल वेब की दुनिया और कैसे डिजिटली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज की जनरेशन, आज की यूथ। ये स्टोरी उस पर बेस्ड है।
इस सीरीज में हमें वरुण शर्मा के साथ साथ मनजोत सिंह, गौतम मेहरा, तानिया मनिक ताला, एलनाज डोरौजी और क्षितिज चौहान भी नजर आएंगे। इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिनेश विजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के कई सारे फिल्में पाइपलाइन में बनी हुई हैं, जैसे कि गंगूबाई और ब्रह्मास्त्र। ये दोनों ही फिल्में आलिया भट्ट की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। वहीं आलिया भट्ट हमें एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर में भी नजर आने वाली है, काफ़ी स्पेशल किरदार निभाते हुए। इसके अलावा आलिया भट्ट हमें फिल्म डार्लिंग्स में भी नज़र आएंगी, जो कि एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म बताया जा रहा है। बता दें कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म के प्रिपरेशन शुरू कर दी है और ये उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के द्वारा बताया। उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है अपने स्टोरी पर, जिसमें हम उनको फिल्म डार्लिंग का स्क्रिप्ट पकड़ते हुए देख सकते हैं और उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है प्रेप, यानी कि वो प्रेपरेशंस कर रही हैं अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कई सारे फिल्में पाइपलाइन में बनी हुई हैं, जैसे कि सूर्यवंशी, बेल बॉटम, पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन और राम सेतु। बता दें इसके अलावा और भी कई सारे फिल्में हैं जिन्हें अक्षय कुमार इंटरेस्टेड है करने के लिए। वहीं कुछ समय से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि अक्षय कुमार स्टार कर सकते हैं फिल्म धूम 4 के लिए और इसी बारे में अक्षय कुमार ने खुद बात की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि ये रूमर्स आ रहे हैं कि आप फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से मिले थे धूम 4 डिस्कस करने के लिए, तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, और अक्षय कुमार ने साफ साफ कहा कि इसके लिए मेरे पास सिर्फ दो शब्द हैं और वो है फेक न्यूज़। अक्षय कुमार ने क्लियरली बता दिया कि ये एक फेक न्यूज़ है, उनकी मुलाकात फिल्म मेकर से नहीं हुई है और वो धूम 4 नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक अफवाह थी। रिसेंटली ऐसे रिपोर्ट सामने आए थे कि इम्तियाज अली और रणबीर कपूर वापस स्क्रीन पर रीयूनाइट करने जा रहे हैं 6 साल के बाद फिल्म तमाशा के बाद। वहीं बताया जा रहा था कि ये फिल्म एक बायोपिक होने जा रहा है कंट्रोवर्शियल सिंगर अमर सिंह चमकीला के ऊपर, लेकिन बता दें कि नए रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये अमर सिंह की बायोपिक नहीं है जो रणबीर कपूर करने जा रहे हैं। इम्तियाज अली के दिमाग में और 2 स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें से एक स्क्रिप्ट में वो रणबीर कपूर के साथ काम करेंगे। इम्तियाज अली नहीं चाहते हैं कि रणबीर कपूर अमर सिंह की बायोपिक करे, एज अमर सिंह की बायोपिक जो है उनको रॉक स्टार फिल्म के स्पेस में किरदार में डाल सकता है और वो काफ़ी सिमिलर मूवीज़ और स्पेस हो जाएंगे, जिसके चलते इम्तियाज अली रणबीर कपूर से कुछ नया करवाना चाहते हैं। मलाइका अरोड़ा और उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, साथ ही साथ सिस्टर अमृता अरोड़ा हाल ही में करीना कपूर के घर पहुंचे एक स्मॉल पार्टी के लिए और इन पार्टी के पिक्चर्स, इस गेट टुगेदर के पिक्चर्स अब इंटरनेट पर सामने आई हैं, जिसपे हम मलाइका अरोड़ा और करीना कपूर को गुची के आउटफिट्स में देख सकते हैं और दूसरी तरफ एक और पिक्चर है जिसमें अमृता अरोड़ा करीना कपूर के चीक्स पर किस कर रही हैं। ये बहुत ही अडोरेबल सेल्फी है। अमृता ने इस पिक को शेयर करते हुए लिखा, When I meet my BFF after 2 months, इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि 2 महीने बाद वो अपने BFF से मिल रही हैं और गेट टुगेदर कर रही हैं। करीना कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हमें नज़र आने वाली हैं टॉम हैंक्स स्टारर फॉरेस्ट गम के हिंदी रीमेक में आमिर खान के साथ, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। सलमान खान काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो चुके हैं रीमेक्स को लेकर। राधे के रीमेक के बाद वो और कोई रीमेक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको मास्टर के रीमेक का ऑफ़र आया है, जिसके चलते वो काफ़ी इंटरेस्टेड तो हैं इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन क्योंकि रीमेक में उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, इसलिए सलमान खान चाहते हैं कि फिल्म मेकर्स मास्टर के रीमेक का जो स्क्रिप्ट है उसे चेंज कर दे, रीराइट कर दे और थोड़ा सा नया कहानी, नया टच लेकर आए इस हिंदी रीमेक के लिए। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी का।